proportions assalam alaikum i welcome you all on the platform of digital academic provided by moonlight international publishers hello my dear students i am your maths teacher my name is aisha Our today's topic is about proportion the equality between two ratios is known as proportions basically aapke pass. कोई भी दो रेशोज होती हैं फॉर एक्जाम्पल स्क्रीन पर आपके पास दो रेशोज नज़र आ रही हैं थ्री रेशो फाइव एंड ट्वेल्व रेशो ट्वेंटी स्टूडेंट्स अगर हम देखें मैं थ्री रेशो फाइव को अगर फोर से मल्टीप्लाई करूँ मीन्स थ्री को भी फोर से मल्टीप्लाई करूँ और फाइव को भी फोर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा ट्वेल्व एंड ट्वेंटी आंसर आएगा रिस्पेक्टिवली अब बेसिकली इन दोनों रेशोज़ को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर है यानी कि टो ट्वेंटी कहीं ना कहीं आपके पास थ्री रेशो फाइव से मिलकर बने तो यहाँ से हम क्या करेंगे हम इनके दरमियान एक प्रपोर्शन का साइन लगाएंगे जिसका मतलब इक्वल होता है लेकिन इसका साइन इस तरह हम इनके सेंटर में दो कॉल डालकर लगा सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया थ्री रेशो फाइव एंड ट्वेल्व रेशो ट्वेंटी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम इसको लिखेंगे थ्री रेशो फाइव रेशो ट्वेंटी अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर थ्री फाइव ट्वेल्व और ट्वेंटी आपके पास टर्म्स है और ये प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहे हैं आपके पास क्योंकि जैसे ही मैंने थ्री की वैल्यू चेंज की हमारे पास फाइव की भी वैल्यू ऑटोमेटिकली ट्वेंटी यानी के चेंज हो गई सो so स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म देखें थ्री है सेकेंड टर्म इस पूरी प्रपोर्शन में आपके पास फाइव है देन ट्वेल्व आपके पास ऑटोमेटिकली थर्ड टर्म है एंड टी आपके पास फोर्थ टर्म है नाउ वी विल डिस्कस एक्सट्रीम एंड मीन्स मीनस आर एक्सट्रीम्स एंड आर स्टूडेंट्स बेसिकली आपके पास इस एग्जाम्पल में ही थ्री और ट्वेंटी आपके पास क्या है एक्सट्रीम्स है क्योंकि ये बिल्कुल एंड्स पर आ रहे हैं और क्योंकि इस परपोर्शन के सेंटर में जो दो वैल्यूज आ रही है दैट इज फाइव एंड ट्वेल्व तो हम कहेंगे इसको हमारे पास मीन्स क्या है इसको एंड ट्वेंटी

बुक्स क्या, तो क्या, क्या करना है आपने सबसे पहले इसको स्टेटमेंट इस को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है प्रोपोर्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बुक्स एक तरफ लिखेंगे और कॉस्ट एक तरफ लिखेंगे यानी कि बुक्स रेशो बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट रेशो कॉस्ट अब क्योंकि पहले में हमने सेवेंटीन बुक्स लिखा है परपोर्शन के बाद सबसे पहले हमने सेवनटीन बुक्स की कॉस्ट लिखनी है कुछ इस तरह रेशो नेक्स्ट बुक कौन सी है ट्वेंटी सेवन बुक्स है देन इक्वल्स टू यानी कि प्रपोशन अगली कॉस्ट हम किसकी लिखेंगे सेवनटीन बुक्स की सेवनटीन बुक्स की कॉस्ट क्या आई थी फिफ्टी वन रुपी नाव फिफ्टी वन रेशो अब हमने ट्वेंटी सेवन बुक्स की क्योंकि कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो वहां हम क्या लगाएंगे हम कोई ना कोई वेरिएबल यूज करेंगे सो so, हम यहाँ पर वेरिएबल यूज करें एक्स तो so, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह हम बन हमने क्या करना है प्रोपोर्शन वाला है इसको आप कुछ इस तरह भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन नाउ वट वी हैल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय अब आपने क्या करना है आपने उस को के दूसरे साथ पे ले जाना है तो ये बन जाएगा अब आपने क्या करना है यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने आपस आप में और आपके पास ट्वेंटी सेवन बुक्स की कॉस्ट आ जाएगी एक्स का आंसर आपके पास आज एन रूपीज यानी कि अगर सेवनटीन बुक्स की कॉस्ट फिफ्टी वन रुपीज आ रही है तो ट्वेंटी सेवन बुक्स की कॉस्ट आपके पास एटी वन आएगी तो यहाँ से आपको पता चला दॉ ट्वेंटी सेवन बुक्स इज रुप एटी वन सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपको आज का अच्छा लेक्चर समझ में आया होगा। आयोग नेक्स्ट वीडियो अल्लाह